अरे बड़ी बढ़िया, अच्छी बात। आ जाओ, जिसको जिसको खाना है कमेंट करो। जिसको जिसको बनाना है वो भी आ जाए। अरे तू बहुत दिनों दिनों बाद वीडियो बनती है, पता नहीं क्या करे, मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। लाइक और सब्सक्राइब कम हो रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो। इसको भी छोटा काटना। हाँ छोटा काटिए इसको, बिल्कुल ब्रेक ब्रेक, तब स्वाद आएगा। ऐसे स्वाद यहाँ से देखिए इस लड़की को, ये सब्जी काट रही है और दो लोग देख रहे हैं। अभी से पानी आना स्टार्ट हो गया है मुँह में। किसी भैया के पानी आना शुरू हो गया है। इतना बारीक ना, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना बारीक फ्राई हो जाएगा तो मिक्स मैच होगा। फ्राई भी करना है इसको। किसका ऑर्डर था कि ये बनेगा? ये किसका ऑर्डर था? रवि चाचा का। अरे रवि चाचा की जीभ बहुत तेज है। आके बोल के चला गया। वीडियो भेजी है। हाँ जी कोई नहीं, मिक्स कोई क्या होगा? मैं बोलता हूँ पापा के लिए अलग लो। ये देखिए गाइस, हमने ऑर्गेनो डाला है। ये देख लीजिए, हमने पहले डाल दिया, अब उसके बाद हमने क्या डाला है? फन फूड का आता है एक वेज मेयोनीज, बहुत ही स्वाद होता है ओरिजिनल। ये देखिए गाइस, ये डाल दिया है। उसके बाद हमने पास्ता सैंडविच, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, बहुत अच्छी सॉस है विबा की है, ये डाल दिया है। ठीक, उसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। देखिए ये है चिली फ्लेक्स, ठीक, क्राफ्ट का चिली फ्लेक्स, बहुत अच्छा है ये। देन उसके बाद हम इसको अब डाल रहे हैं स्लाइस। स्लाइस ऐसे रखनी होती है ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा सा डाल दो। हम इसके बाद इसमें डाल रहे हैं चीज स्लाइस। कद्दूकस करके उसने डाला था, पर चलो कोई, अब इन्होंने फाड़ दिया। वैसे इसको आराम से फाड़ना चाहिए, मिक्स घोल घुल रहे हैं। एक वैसे ही डाल दिया इन्होंने, गलती हो गई। अब ये चिपक गया हाथ में इनके। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आगे सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं पेट निकाल के। ये देखिए पूजा हमारे गांव से आई है। ये बस सब कुछ नहीं डालना, बस इसी को डाल हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक। कैसे मैम? थोड़ा ये सॉस और डालिए, थोड़ी कम सॉस थी अब उसके बाद, क्योंकि जो हमारे दादू हैं वो कम सॉस खाते हैं, मिर्ची कम खाते हैं, तो इस करके उनको निकाल दिया बाहर। उनका ये पड़ा दादू को भी, दादू बाबा के लिए ये निकाल दिया यहाँ, क्योंकि वो कम खाते हैं सॉस, उनको मिर्ची आई लगती है, उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। तो ये अब हम जा रहे हैं बनाने। तो हम सबसे पहले मक्खन लगा रहे हैं ब्रेड पे, एक साइड में हम मक्खन लगा रहे हैं और एक साइड में हम तेल लगाए हैं। तो जो ऊपर वाला साइड होता है, जो मतलब नीचे है, उसमें तेल लगाए मक्खन, फिर इसके बाद जो हमारी वो मिक्स वाले जो भी हमने मिक्स किया है उसको रखेंगे। उसके बाद मक्खन रखेंगे, इसके ऊपर वो चीज़ रखेंगे, हमें थोड़ा और रखना चाहिए था। और आप लोग देख सकते हैं फ़ोन कितना हिल रहा है यार, अब जब कोई वीडियो नहीं बनाया रहता उसको पता नहीं होता है। तो अब देखो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड मत करना, तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, और फिर उसके ऊपर से मक्खन लगा के ऊपर वाले ब्रेड में भी। तो हमने इस तरह से रख दिया, देखो तेल वाला ऊपर है और एक तेल वाला नीचे, इस तरह। फिर हम मशीन में रख देंगे इसको, और एक एक पीस और रख देंगे, और थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आ जाइए। पापा भी ऋषि की टांग खींच रहे हैं, कहते हैं ऋषि ने बहुत अच्छा काम किया कि भाग आया वहाँ से, महान काम किया। बस काट दूं, बंद कर दूं।